भोजपुरी इंडस्ट्री हर चीज का मिक्स है। यहाँ आपको अश्लीलता मिलेगी, अच्छी मूवी भी मिलेगी, अच्छा गाना भी मिलेगा और साथ साथ किसी चीज पर टिप्पणी करने बोल दो फिर तो बस हो गया। चाहे बात अश्लीलता की हो या चुनाव की, भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे हमेशा आगे रहते हैं और आगे रहेंगे क्योंकि वो खुद ही इस चीज से जुड़े हैं। बंगाल चुनाव अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसी के बीच लोगों की टिप्पणियां भी खत्म नहीं हुई है चुनाव को लेकर, और इसी को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे बहुत कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रंतरंक्षण में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज हम आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव पर निरहुआ क्या कह रहे हैं और भोजपुरी सिनेमा के सेंसरशिप और अश्लीलता पर अम्रपाली दुबे क्या कुछ कह रही है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले भोजपुरी सिनेमा अवार्ड के लिए निरहुआ और अम्रपाली दुबे आए थे और इंटरव्यू के दौरान बहुत कुछ बताया उन्होंने। निरहुआ से पूछा गया कि उनको क्या लगता है बंगाल में किसकी जीत होगी, जिस पर निरहुआ ने कहा कि 100% भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसका कारण आगे उन्होंने बताया। उनका कहना है कि उन्होंने बंगाल को 20 साल पहले से भी देखा है। उनका कहना है बंगाल की दुर्दशा जो हो रही है वो पिछली सरकार ने किया है। उन्होंने ये भी बताया कि हुगली नदी के किनारे 102 जूट मिल हुआ करते थे, वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। वहां कोई नया उद्देश्य लगे वो तो हुआ ही नहीं, जो पहले से था वो भी बंद हो गया है। इसका रीजन भी आगे उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार तरक्की पर ध्यान नहीं दे रही है, उनका ध्यान सिर्फ इस चीज पर है कि कैसे हम केंद्र सरकार की नीतियों का सिर्फ विरोध करें। उन्होंने आगे बंगाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो जनता को लाभ देना चाहती है वो बंगाल सरकार जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहती है क्योंकि उन्हें चुनाव में इससे लाभ होगा। आगे वो कहते हैं कि जो बंगाल की जनता के साथ अन्याय हुआ है उस चीज को बंगाल की जनता समझ रही है और बंगाल में गुंडागर्दी भी हुई है। उन्होंने चुनाव के दौरान हिंसा होने का भी जिक्र किया और कहा कि इसलिए बंगाल की जनता चाहती है कि यूपी की तरह वहां भी गुंडागर्दी खत्म हो जाए, और उन्होंने दावा किया है कि तभी हो सकता है जब बीजेपी की सरकार बंगाल में आएगी। चुनाव पर अम्रपाली दुबे का कहना था कि जो उन्होंने बंगाल के बारे में बचपन में पढ़ा है वो इज्जत बंगाल को जो वापस दिलाएगा वही जीतेगा। उन्होंने आगे बंगाल के बारे में भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कल्चरली बंगाल सबसे रिच स्टेट है इंडिया का, और अगर इस स्टेट का हाल ऐसा है कि वहां खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है तो हमारे देश का कोई भी नागरिक ये नहीं देखना चाहेगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि जो भी सरकार गुंडागर्दी बंद कराने में सक्षम हो वो आए। फिर अम्रपाली दुबे से जब ये पूछा गया कि भोजपुरी फिल्मों के लिए कोई सेंसरशिप होना चाहिए क्या, उस पर उन्होंने कहा कि उनकी दिली चाहत है कि उनकी फिल्म मल्टीप्लेक्स पर रिलीज हो यूपी में और बिहार में, और वो चाहती है कि जितने भी जगह जहाँ भोजपुरी भाषा बोलते हैं लोग वहां पर सेंसरशिप हो और वही लोग बताए कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स पर लगाने लायक है या नहीं। आगे वो कहती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री पर अश्लीलता का लालचन लग चुका है और लोगों को आदत हो गई है भोजपुरी और अश्लीलता को साथ देखने की, तो जब उनके ही लोग सर्टिफिकेशन करेंगे भोजपुरी फिल्मों की तो लोगों को भरोसा होगा और वो लोग फिल्मों को मल्टीप्लेक्स पर देखने आएंगे। अब भोजपुरी से अश्लीलता खत्म होगी कि नहीं ये नहीं पता, हाँ पर इतना पता है कि अश्लीलता का विरोध जरूर। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना है, इसी के साथ देखते रहे जनतारंक्षण। हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें और Twitter पे फॉलो करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहें तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पर डोनेशन दें। धन्यवाद।